दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे से दूसरी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेजे। अगर दोस्तों आप भी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो, आप चाहते कि दोस्तों फोन पे आपसे किसी भी बैंक अकाउंट में दोस्तों पैसा भेजना आपको दोस्तों पता नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यह समय वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है, तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप फोन पे आपसे दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों भेजने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपना मोबाइल पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल पे मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको चारों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों 2 मोबाइल नंबर। ठीक है, आप दोस्तों किसी का भी आप मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस वाली ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 2nd नंबर पे 2 बैंक और दोस्तों यूपीआई आईडी। ठीक है, आप दोस्तों किसी का भी यूपीआई आईडी के अंदर नहीं तो दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजने के लिए इस वाली ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर पे 2 सेल्फ अकाउंट। ठीक है, आप अगर दोस्तों खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए 2 सेल्फ अकाउंट ऑप्शन को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन तो दोस्तों सबको पता ही होगा, जैसा कि दोस्तों आप खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे। ठीक है, तो चले दोस्तों हम किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजने के लिए दोस्तों आपको 2nd नंबर ऑप्शन को दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो कि दोस्तों 2 बैंक और दोस्तों यूपीआई। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 2 बैंक अकाउंट और दोस्तों यूपीआई और दोस्तों यूपीआई नंबर। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हम किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजेंगे ना, इसीलिए दोस्तों आपको पूरा पास्ट में इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसी तरह देख सकते हो मैंने कितने सारे बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मैंने पैसा ट्रांसफर किया। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी दूसरी वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजने के लिए आपको दोस्तों करना क्या, पूरा लास्ट में दोस्तों आपको कॉर्नर पे प्लस आइकॉन एक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको उसी वाली बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, मान लो कि दोस्तों आप जिस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा भेजना चाहते वो दोस्तों यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको करना के पूरा पास्ट में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बाय बैंक नेम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका जो भी दोस्तों बैंक नेम उसको दोस्तों आपको सर्च कर लेना, आ जाएगा वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर मैं पैसा भेजना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा एक फ्रेंड के अकाउंट के अंदर मैं पैसा भेजना चाहता हूँ। ठीक है, उसका दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बोला जाएगा अकाउंट नंबर डालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट नंबर डाल देना और उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि दोस्तों आपको आईएफएससी कोड आपको दोस्तों डालने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया। ठीक है, आपको ओनली दोस्तों अकाउंट नंबर डाल देना और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों आपका सामने मैं अकाउंट नंबर डालूंगा और दोस्तों पैसा ट्रांसफर करके भेज के दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये दोस्तों मेरा फ्रेंड का दोस्तों अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, आपको भी दोस्तों डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा दोस्तों आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों ये जो दोस्तों अकाउंट नंबर है दोस्तों किस व्यक्ति का नाम का रजिस्टर है उसका नाम दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आप जैसा अकाउंट नंबर डाल के दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसका नाम दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट में निक नेम, ठीक है, ऑप्शन आले। यहाँ पे दोस्तों आप अगर कुछ भी आप लिखना चाहते तो दोस्तों आप लिख सकते हो, नहीं तो दोस्तों वैसे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे मैं हेलो लिखूंगा। ठीक है, आपको दोस्तों कुछ भी लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद दोस्तों आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दे सकते हो इंटर अमाउंट, आप दोस्तों कितना पैसा भेजना चाहते उतना दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप अगर 10,000 आप भेजना चाहते ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10,000 आपको टैप कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको पे पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों आपका सामने मैं 10 रुपीज दोस्तों मैं पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दिया और उसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको छोटा सा एरो करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने दोस्तों आपने जितने भी दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके रखा होगा यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस वाली बैंक अकाउंट से मैं पैसा कटवाना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अगर दोस्तों आपका एक ही बैंक अकाउंट है तो दोस्तों आपको डायरेक्टली कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको पे पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब पे पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे
करोगे अपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक अकाउंट ऐड करते समय दोस्तों जो यूपीआई पिन इस वाली बैंक अकाउंट के अंदर आपने क्रिएट किया वो यूपीआई पिन दोस्तों आपको डाल देना, ठीक है। तो चले दोस्तों आपका सामने में 4 डिजिट का यूपीआई पिन में डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाल दिया। आपको भी दोस्तों यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों दे सकते हो। मैं दोस्तों फोन पे आपसे दोस्तों दूसरी वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है, भेज के मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए फिर भी दोस्तों मैं आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे दोस्तों मैं क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मेरा पैसा दोस्तों चला गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आप देख सकते हो दोस्तों पेड टू हेलो नाम से दोस्तों मैंने 10 रुपीज दोस्तों ट्रांसफर करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अगर आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप डिटेल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों टाइम भी आप देख लेना, ठीक है, 8:23 और दोस्तों 8:22, ठीक है। और दोस्तों मैंने कौन सा वाली बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर, और दोस्तों कौन सा बैंक अकाउंट से दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसी वाली बैंक अकाउंट से, ठीक है। सब कुछ दोस्तों आप डिटेल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। आप भी दोस्तों इसी तरह फोन पे आपसे दोस्तों किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेज सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर। आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।